याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा। Wow. Which is your favorite Mohammad Rafi song? You sing so many songs, but one song which is your favorite? Actually, एक सवाल एक माँ से करते हैं, आपको कौन सा बच्चा आपका फेवरेट है? तो माँ क्या जवाब देगी? सब बच्चे फेवरेट हैं। तो अलग अलग गाने अलग अलग मिठास देते हैं। तो मैं समझता हूँ फेवरेट गाना मेरा आज तक कोई नहीं, लोगों का जो फेवरेट है वही गाना मेरा फेवरेट है। तो और एक कोई रफ़ी साहब का या कोई और सिंगर का कोई भी बोलें आप, रफ़ी साहब का कोई भी गाना सिंस ही इज एवरीबडीज फेवरेट। ओके आई विल सिंग। When there's so much difference between the way Kishore Kumar sings and the way Rafida sings, So how do you manage to bring about that change in your voice and that emotion in your voice? Imitation, कोई भी चीज, अब अगर जैसे कि कोई भी पान खा के गाता है, और खाए के पान बना रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा कर धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला ना। तो बस एक्टिंग है। तो एक्सप्रेशंस के साथ मैं थोड़ा थोड़ा एक्टिंग और वॉइस को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा रफ़ी साहब का इवनिंग इन पेरिस, तो बहुत ही अच्छा गीत गाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे ओ जाना, कहो प्यार हो तुमसे पर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ के आया हूँ लेने नजराना, मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिल पर
तेरी खातिर मैं चांद छोड़ के आया हूँ देने नजराना, मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। ओ कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे। वाओ, इमोशंस कैसे आते हैं आपको? हाउ डू यू गेट दैट इमोशंस अगेन? इमोशन बस एक्टिंग है। आई नो यू टोल्ड मी दैट, बट स्टिल does it become difficult for you? वो गाते गाते ऐसा हो गया ना, mm-hmm. वो कोई भी अगर चीज दुखी वर्ड आ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा मन बोलता है कि इसे दुख के साथ पेश किया जाए, mm-hmm. और कोई खुशी का गाना है तो अगर मैं डिप्रेस भी हूँ तो गाना मैं कभी कभी ऐसा होता है मैं बहुत डिप्रेस होता हूँ, कोई कहानी ऐसी होती है कि कोई मर गया हो, कोई ऐसा तो होता रहता है, कभी कोई मर जाता है फैमिली में या कोई ऐसा ऐसा, तो उस वक्त प्रोग्राम्स होते हैं या रिकॉर्डिंग्स होते हैं तो आई शुड सिंग जो लिरिक डिमांड करता है, खुशी है और मैं डिप्रेस हूँ बहुत दुखी हूँ, लेकिन उस गाने को मैं खुशी के साथ गाना है तो डेफिनेटली गाना पड़ता है। Okay. यही सिंगर की मजबूरी और एक्टर लोगों की मजबूरी यही होती है। Now we are going to start taking calls. So in case you want to talk to Mr. Mohammad Aslam, then do call us. We have our first caller now. She is Sunita. Hi Sunita, what would you like to say to Mr. Mohammad? Okay. Hi Aslam ji. How are you? How are you? I'm good, thank you ji. And how? I have one question is there for you. How do you practice this vocal exercise and all? How doesn't it strain your voice? No, actually. वोकल प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ तो उसका अलग स्टाइल होता है, ये जो शार्प करते हैं आवाज़ को तो आवाज़ फटता नहीं है, एंड उसको कंट्रोल करके, यू हैव टू कंट्रोल योर वॉइस एंड प्रैक्टिस ऑलवेज। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पेट से गाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो दैट पेट से गाना है ऐसा ऐसा करके, गाना तो सिर्फ यहाँ से आता है, लेकिन एनर्जी के लिए शायद बोलते होंगे कि इधर से आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, देखिए अभी कोई भी एक आवाज़ समझे आप ऊपर भी जाते हैं तो बस यहीं से जाता हूं, तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि यहां से गाना अंदर से पेट से आना, मैं समझता हूं कि पेट से नहीं, एनर्जी चाहिए बस और कंट्रोल्ड वॉइस में चाहिए। कोई भी अभी जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं तो कोई कोई रॉन्ग गाइडेंस भी दे देते हैं सिंगर्स को और कहते हैं कि यहाँ से गाना है, तो अगर यहाँ से गा के वोकल चिल्लाएगा तो वॉइस स्ट्रेन हो जाता है, दो गाने तीन गाने में वो उसका गैस आउट हो जाता है बस। राइट, आई एम श्योर दैट वाज अ बिग टिप फॉर ऑल द एस्पायरिंग सिंगर्स ओवर देयर, वो दे कैन कीप दीस टिप्स इन माइंड एंड यू नो गो अहेड विद देयर सिंगिंग प्रैक्टिस। तो कितना रियाज करते हैं आप एवरी डे, हाउ मच डू यू प्रैक्टिस? जिस तरह जब भी मैं बैठ के एक जगह रियाज बहुत कम करता हूँ, लेकिन हमेशा चलते फिरते गाड़ी में इधर उधर तो गाते रहता हूँ, दिस इज माय प्रैक्टिस। ओके, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बैंगलोर में देयर सो मेनी ट्रैफिक जैम, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग व्हाट इज दैट वन सॉन्ग यू लव सिंगिंग? द वन सॉन्ग यू लव टू सिंग व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई। Wow, from the movie मेरा नाम जोकर। जोकर, yeah. Why don't you sing us another song from the movie मेरा नाम जोकर as well? मेरा नाम जोकर में। Because बहुत popular हुए थे ये गाने उस जमाने के। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, स्वर्ग यही नर्ग यहाँ,
इसके सिवा जाना कहाँ।